नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार। मैं आज आपको सोडियम मास्टर वर्सेस JBL स्पीकर के बारे में जानकारी देता हूँ। आप DJ साउंड कर रहे, आप अगर फोरम के लिए स्पीकर लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें कौन सा अच्छा है, कितना वेट में है और RMS वेट क्या है, फ्रिक्वेंसी में क्या है और इसमें कौन सा अच्छा है, कितने रेट में है, आपको कौन सा लेना चाहिए, सब कुछ बताता हूँ फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, हम पहला बात करेंगे फ्रेंड्स JBL स्पीकर में। इसके ड्राइवर होता है 18 इंच का, इसका RMS वेट्स है 1500 का और 8 ओम से काम करेगा। इसका कॉइल है 5 इंच का। और आगे गए तो हम फ्रीक्वेंसी बात गए तो 20 हर्ट्ज़ पकड़ के 14 किलो हर्ट्ज़ तक इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करता है। इसका फैसिलिटी है सुपर बेस, इसका स्पेशलिटी साउंड है सुपर बेस। और आगे जाके हम स्टूडियो मास्टर की भी थोड़ा जानकारी देंगे। इसका ड्राइवर है 18 इंच, उसका भी सेम है और इसका RMS सेम है 1500 का RMS है वाइटेज। और इसका कोयल भी सेम है 5 इंच का और फ्रिक्वेंसी भी सेम है 20 हर्ट्ज़ पकड़ के 40 हर्ट्ज़ किलो हर्ट्ज़ तक। और इसका होम भी सेम है 8 होम का है। और क्या इसका फैसिलिटी है सुपर लाउड, इससे बहुत लाउड साउंड आता है, इसका लॉन्ग थ्रो बहुत है। और इसमें इस दोनों स्पीकर में आप कौन सा लेना है आपको बताता हूँ, इसका रेट क्या है सब कुछ बताता हूँ सब फ्रेंड्स। इस स्टूडियो मास्टर को आप लेना है तो आपका इस 9000 तक मिलने वाला है और JBL को लेना है तो आपको 10000 में ये स्पीकर मिलने वाला है। दोनों को 1000 फर्क है, लेकिन ये स्पीकर स्टूडियो मास्टर स्पीकर आपको प्रोग्राम के लिए चाहिए तो बहुत अच्छा होगा। इसको लॉन्ग थ्रो बहुत अच्छा आया है, इसको बेस उतना अच्छा नहीं है, लॉन्ग थ्रो है बोले तो लाउडनेस बहुत है, बहुत साउंड आते हैं इसमें। और JBL को बात किया तो उसमें बहुत बेस आता है, स्मूथ बेस। और इसको DJ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आपको डिपेंड आप में डिपेंड है आप कौन सा किससे ये यूज़ कर रहे हैं। फोरम के लिए यूज़ कर रहे हैं बोले तो स्टूडियो मास्टर बेस्ट है और DJ के लिए ले रहे हैं तो JBL बेस्ट है फ्रेंड्स। ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। शुभ दिन।